डीकेएसजेडसी जो रुपेश है, ये रुपेश का वेपन है, AK-47 है। इस तरह से इस ऑपरेशन में इसका ये वैल्यू बहुत हाई है कि वेपन्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। वेपन्स की महत्ता क्या है समझना बहुत ज़रूरी है। सर BGL भी मिले हैं, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। जिसका इस्तेमाल एम्बुश में या जवानों पर अटैक करने में या फिर कैंप के ऊपर अटैक करने में होता है। तो नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं। 4 दिन पहले माओवादियों के सबसे सुरक्षित ठिकाना कहे जाने वाले अबूझमाड़ में सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल को सफलता मिली है और 3 माओवादियों को ढेर करने में सफलता मिली है। तो घटना स्थल से सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बल को क्या कुछ माओवादियों के वेपन सामग्री बरामद किए गए हैं, नारायणपुर SP से जानेंगे। सर किस प्रकार के वेपन बरामद किए गए हैं बताएंगे। वैरायटी ऑफ वेपन है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा वेपन जो है वो AK-47 है। DKSZC जो रुपेश है, ये रुपेश का वेपन है, AK-47 है, ऑटोमेटिक वेपन है ये मिला है। इसके अलावा 2 SLR मिला है, सामने 2 SLR आपको दिख रहा है। इसके अलावा 303 राइफल, 12 बोर बंदूक, 2 कार्बाइन हमें मिले हैं, सिंगल शॉट राइफल्स मिला, टोटल 10 वेपन ग्रेडेड हाई वैल्यू वेपन्स हमें मिले हैं। इसके साथ साथ हमें लगभग 70-80 BGL सेल्स मिले हैं, जिसका इस्तेमाल एम्बुश में या जवानों के ऊपर अटैक करने में या फिर कैंप के ऊपर अटैक करने में होता है, तो वो हमें मिले हैं। इस तरह से इस ऑपरेशन में इसका ये वैल्यू बहुत हाई है कि वेपन्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। वेपन्स की महत्ता क्या है समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक वेपन के दल के दम पर 1 या 2 नक्सली एक गाँव में खड़ा होता है और उस डर से सभी गांव वाले या 4-5 गांव के लोग जमा होते हैं, जिससे वो जनताना सरकार की मीटिंग घोषित कर देता है सिर्फ इसी वेपन के डर पे, या फिर जन अदालत घोषित करता है, किसी भी मासूम को किसी भी आरोप में सजा दे देता है, उसे मार देता है। और इसके अलावा इन्हीं वेपन के डर पे ग्रामीणों से विकास के कार्यों का विरोध कराता है, उन्हें बंधक बनाता है, बंधन बना के धरनाओं में बैठाता है। तो वेपन का ये एक्सपोनेंशियल और मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है। इसकी जब्ती से इन सब चीज़ों में गांव में बहुत शांति आएगी, गांव में डर घटेगा, कम नक्सलियों के पास हथियार होंगे। तो वेपन की इस डायनेमिक्स को समझना है। वेपन नक्सलियों के पास पुलिस से लड़ने के लिए कम है, यहीं के ग्रामीणों और आदिवासियों को डराने के लिए ज़्यादा है। उस हिसाब से इस वेपन रिकवरी का बहुत ज़्यादा महत्ता है। सर BGL भी मिले हैं, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। ये BGLs हैं, ये प्रोजेक्टाइल हैं जो BGL लॉन्चर से निकलते हैं। BGL लॉन्चर में जो एक्सप्लोजन होता है ट्रिगर ऑपरेशन, उससे ये एज ए प्रोजेक्टाइल निकलते हैं और फिर सामने टारगेट पे 200 मीटर से 400 मीटर की दूरी, अलग अलग साइज़ और अलग अलग इम्पैक्ट के हिसाब से 200 से 400 मीटर दूर जाते हैं। और सामने आपको पिन दिख रहा है, अगर ये हार्ड सर्फेस पे हिट करेगा तो इसका इंटरनल मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और ये ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट करने से 10-20 मीटर आसपास के किसी स्ट्रक्चर को या ह्यूमन को या फिर ये इम्पैक्ट कर सकता है और हानि पहुंचा सकती है। ओके, थैंक यू। तो ये थे नारायणपुर SP प्रभात कुमार सर। घटना स्थल पे जो वेपन बरामद हुए उसके बारे में इन्होंने हमें विस्तृत तौर पे बताया। पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, नारायणपुर।